साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम कुछ आवश्यक सामग्री नोट कर लेते हैं, जिसमें जीरा, भुनी हुई मूँगफली, करी पत्ता, लाल मिर्च, हरी मिर्च, सेंधा नमक, कटे हुए टमाटर, उबले हुए आलू और 6 से 8 घंटे भिगोए हुए साबूदाने। एक पैन गरम करेंगे हम। पैन में 2 टेबल स्पून घी डालेंगे। घी को गर्म हो जाने के बाद उसमें हम थोड़ा सा जीरा चटकाएंगे। जीरा चटक जाएगा, उसके बाद हम उसमें सूखी लाल मिर्च को ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। सूखी लाल मिर्च को भूनने के बाद हम इसमें आलू को मिलाएंगे। उबले हुए आलू मिला के हम इसको 1 से 1.5 मिनट तक भूनेंगे, जिसमें आलू में अच्छे से कलर आ जाएगा। 1 से 1.5 मिनट हो गया, अब हम इसमें ऑलरेडी भुनी हुई मूँगफली मिला देते हैं। पहले से भुनी हुई मूँगफली मिला देते हैं। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ी देर पकाएंगे। उसके बाद करी पत्ता और कटी हुई हरी मिर्च को मिक्स करके इसको थोड़ा हम भून लेंगे 10 से 15 सेकंड तक। अब इसमें हम कटे हुए टमाटर मिला के इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा सेंधा नमक स्वाद के अनुसार मिलाएं। सेंधा नमक मिलाने के बाद इसको हमें 1/2 मिनट तक भूनना है, तो टमाटर को सॉफ्ट होने दें। तो इसके बाद इसमें भिगोए हुए साबूदाने को 6 से 8 घंटे पहले भिगो देना चाहिए। इसको मिलाएं अच्छे से। साबूदाना पकने में 2 से 2.5 मिनट का समय लगता है। इसको अच्छे से स्टर करते हुए पकाएं। ये बीच में चलाते रहें इसको। लो हल्की आंच पे इसको ढक्कन लगा के 2 से 3 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। दो मिनट बाद ढक्कन खोलते हैं, इसको थोड़ा मिक्स करते हैं। इस तरह से हमारा साबूदाना खिचड़ी बनके तैयार है। गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर से हम गैस बंद करने के बाद कटा हुआ हरा धनिया मिक्स कर देंगे। कटा हुआ हरा धनिया मिक्स करें। तैयार है अपनी साबूदाना खिचड़ी। आइए इसको सर्व कर लेते हैं हरी चटनी के साथ।